खुला मजा मिलेगा। I was just having fun on set. Entertained 100%. Control नहीं करने का है ही है, एक के बाद एक सीन है। नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल और आपका एक बार फिर स्वागत है amarjala.com पर। आज हमारे साथ हैं आने वाली फिल्म लाइगर के सितारे विजय देवरकुंडा, अनन्या पांडे और रामया कृष्ण जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो हम शुरुआत रामया जी से करते हैं क्योंकि दर्शकों ने बाहुबली में आपको बहुत देखा है और वो जो ट्रेलर आया है फिल्म का, उस ट्रेलर में जो आप एक बेटे की माँ बनी है और अपने बेटे को जैसे आपने परवरिश दी और फिर उसका दुनिया का सामना करने के लिए आपने उसको रखा हुआ है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो कैरेक्टर है, इस तरह के दमदार कैरेक्टर्स करने के लिए आपकी इंस्पिरेशन पॉइंट क्या होते हैं। एक बार वो ऐसे कैरेक्टर आया सो अच्छा किया, सो उससे डायरेक्टर्स और राइटर्स इंस्पिरेशन लेता है इज़ वॉट आई थिंक। एंड आई कैन नॉट कीप ऑन डूइंग द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स अगेन एंड अगेन, इट वुड बी बोरिंग फॉर मी, एंड इफ इट इज़ बोरिंग फॉर मी इट वुड बी बोरिंग फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। But I try to pick something which is different from what I've done earlier all the time, as much as I can. So that way, Liger is may have the essence of a strong woman, but it has nothing to do with my earlier Shivagami kind of a role or nothing. Or like, yeah, whatever I did, which is supposed to be strong. And this is strong, but it has a lot of shades, other shades and beautiful other shades to it. Vijay, aap bataye. Ek मजबूत माँ और एक बहुत प्यारी सी प्रेमिका, उसके बीच में हीरो। तो हिंदी सिनेमा का अगर हम देखें तो मनमोहन देसाई से लेकर प्रकाश मेहरा की जितनी हिट फिल्में हैं उसमें हीरो जो होता है वो रिबेलियन होता है, उसकी एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड होती है और एक बहुत मजबूत माँ होती है। तो सुपर हिट फिल्म के सारे आपके उसमें ट्रेड्स हैं इस लाइगर में। फॉर्मूला तो वही है जी, और पिक्चर में वही क्रक्स है, एक मजबूत माँ और एक खूबसूरत सी लड़की जिसको मैं प्यार करता हूँ और उन्होंने मेरा लाइफ में बहुत ड्रामा लाती है। बट इट्स लवली, लाइक द सीन्स, ऑल द सीन्स बिटवीन द मदर एंड सन एंड द ड्रामा दैट कम्स बिटवीन देम। और इसमें जो एक चाय वाला है जिसकी बॉडी बहुत जबरदस्त है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है रिंग में उतर के, चाय की टपरी से लेकर के और बॉक्सिंग रिंग तक, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा आपका? इट टुक टाइम, बहुत एफर्ट लगता है और टाइम देना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, थोड़ा सोशल लाइफ को नहीं रहता है, लाइक दोस्त को नहीं मिल सकते हम, बाहर जाकर खा नहीं सकते, जिधर भी जाऊँ मेरा लंच बॉक्स लेकर, मेरा टिफिन बॉक्स लेकर, मेरा डब्बा लेकर जाना पड़ता। बट जस्ट स्क्रिप्ट सुना और मुझे एक विजुअल दिखा कि लाइगर ऐसा होना चाहिए और जो भी उसके लिए करना है वो मैं करूँगा बोल के फिक्स हो गया मैं और जस्ट करता रहा। और इट्स वन डे एट अ टाइम, सम डेज इट फील्स लाइक ये नहीं हो पाएगा मुझसे, पर यू जस्ट कीप गोइंग, यू जस्ट थिंक लाइक वन डे एट अ टाइम, टुडे डू द बेस्ट यू कैन, डू एवरीथिंग यू कैन। मेरा बेडरूम में एक बड़ा सा बोर्ड है जिसपे मैं लिखता था टूवर्ड्स ग्रेटनेस और मंथ लिखता था, और हर एक दिन जिसमें मैं करेक्टली सोया, वर्कआउट किया, ट्रेनिंग किया, अच्छी तरह खाया, मैं वो डेट लिखता था, और जिस दिन मैं नहीं वो करता था वो फेलियर बोल के लिखता था। तो ऐसा महीने महीने लिखकर पहले महीने में कितने डेज में पास थे और लास्ट आते होते कितने हुए, एवरेज हर महीने में 25-26 डेज ग्रेटनेस की नीचे तरफ थे और दो से चार पांच दिन ये फेलियर के तरफ से थे। पर रोज जब उठता हूँ तो बोर्ड देखता हूँ और एक दिन भी अगर फेलियर के पास है तो बहुत गिल्टी लगता था। तो ऐसा एक छह महीने ऐसा करते ही स्लोली आई सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन इन मी, सडनली मिरर में देखते हो तो अलग ही बंदा दिखता है। तो ऐसा करते करते बना दिया बॉडी। अनन्या, आपसे सवाल पूछेंगे कि एक एक्शन फिल्म जब बनती है, पहली बात तो जैसे अनाउंसमेंट हुआ, लोगों ने अनन्या पांडे का नाम सुना विजय देवरकोंडा के साथ, तो एक एक्साइटमेंट थी, फिर उसमें ट्रेलर आया, तो ट्रेलर में जो आपने अभी तक जो कैरेक्टर्स किए उससे थोड़ा डिफरेंट करके कर रही हैं आप, तो एक एक्शन फिल्म में उसका पार्ट होने में कितनी आपको चैलेंजिंग लगा ये रोल? तो अनफॉर्चुनेटली
मेरा कोई फिजिकल एक्शन नहीं है इस फिल्म में, पर जो आई थिंक खास बात है इस फिल्म की इज इवन द कैरेक्टर, एज यू सर, एक हिट फिल्म का फॉर्मूला होता है जो मदर कैरेक्टर है, जो प्रेमिका का कैरेक्टर है, बट आई फील बोथ द फीमेल कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर एक्सट्रीमली पावरफुल, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग और बहुत वेल राउंडेड कैरेक्टर्स हैं, वन डिमेंशनल कैरेक्टर्स नहीं है. तो डेफिनेटली ये बात मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी स्क्रिप्ट के बारे में, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस. एंड इवन दो कोई फिजिकल एक्शन नहीं है मेरा, बहुत मेंटल एक्शन चल रहा है, बहुत ड्रामा है, बहुत ट्रबल मेकर सॉर्ट ऑफ मस्तीखोर वाला कैरेक्टर है मेरा, तो मुझे बहुत मजा आया. रामी जी, आपके बारे में हिंदी सिनेमा के इतने लोग जानते हैं, मतलब आपने यश चोपड़ा जी के साथ काम शुरू किया और उसके बाद साउथ के जितने सुपरस्टार्स हैं, वीर रजनीकांत, कमल हसन, विष्णुवर्धन, मोहनलाल, प्रभास तक आते आते हैं, मतलब एवरी सुपरस्टार ऑफ द सिनेमा यू हैव वर्क इन इंडिया. अभी विजय जैसा एक न्यूकमर या यंग कहें, अभी 10 साल ही हुए इनको करियर शुरू किए हुए, उनके साथ काम करने में आपको जो फीलिंग आई होगी, जो आप इनको काम करते हुए देखा होगा, तो आपको क्या लगता है वेयर ही कैन रीच इन नेक्स्ट इयर्स? फॉर श्योर ही इज गोइंग टू गो प्लेसेस. बहुत ऊंचे एक जगह में वो जरूर जाता है, जाने तक कोई नहीं छोड़ता है वो जैसे आदमी है. एंड कमिंग टू दिस फिल्म, एक ए रोल बहुत बहुत मुश्किल है एक न्यू कमर एज न्यू एज हिम टू द इंडस्ट्री प्ले करने के लिए, क्योंकि ये फाइटर का रोल है हु हैज अ फ्लॉ. बात करने तक या स्पीच को वो दोनों मैच करके स्टिल वो हीरोइक क्वालिटी मेंटेन करना एक एक्टर के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है. ओ एंड जैसे विजय ने ये किया, मेरे को कोई और ऐसे कर सकते आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बहुत नेचुरली ही इज. फर्स्ट टू डेज टफ लगा, आई वॉज ऑब्जर्विंग, मगर वो जैसे वो ओवरकम करके उसको गॉट इट इनटू हिज फिस्ट, ही जस्ट गॉट इट एंड ही मास्टर्ड द एक्ट, यू नो द कैसे कर सकते वो स्टैमर करने वाला, वो बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो बिकॉज डायलॉग्स वर सीरियस, समटाइम्स इट वॉज फनी, बट वो सब वो स्टैमर करके बात करने तरीका बहुत इरिटेटिंग हो सकता है, और इट कैन मेक इट लुक रियली कन्विंसिंग. ही मेड इट लुक रियली कन्विंसिंग. आपको लगा कि जो जो ऑलरेडी जितने भी नाम लिए, जो सुपरस्टार्स के नाम लिए, किसी का जो एफर्ट होता है किसी करेक्टर को करने के लिए, उसमें किसी का रिफ्लेक्शन दिखता है आपको उसमें? यस, जैसे ही विल बी इन हिज वर्ल्ड वंस द शॉट इज सेट एंड एवरीथिंग, ही विल ब्रिंग वन पर्सनल टच टू इट, ही विल ब्रिंग वन realistic touch to it. He'll make it look real and convincing. And he continuously, I think in his head, he works on it. Okay. And all these things I learn from youngsters, and it is such a learning experience to work with youngsters today. मुझे आप बताएं कि लाइगर की तैयारी करने के पहले, जब लाइगर में आपका नाम अनाउंस हुआ, एक फिल्म जो हिंदी और तेलुगु में एक साथ बन रही है, उसके पहले एक फिल्म कबीर सिंह रिलीज हुई थी, कबीर सिंह को देखने से पहले लोगों ने अर्जुन रेड्डी देख डाली कि यार किसकी रिमेक है, पहले उस फिल्म को देखते हैं. तो पीपल केम टू न्यू अबाउट लाइक अर्जुन रेड्डी, देन डियर कॉमरेड पीपल वॉच देम. तो नाउ यू आर नॉट ए न्यू पर्सन फॉर द हिंदी सिनेमा, दे हैव सीन योर अर्लियर वर्क. तो एक आपकी जब लकीर खिंच जाती है, एक मेहनत करके आपने जो किरदार किए हुए थे, उसके बाद जब आपको एक प्रेजेंट करना पड़ता है खुद को उस लैंग्वेज के सिनेमा में, तो आपको लगता है चैलेंज बढ़ जाता है, चुनौती बढ़ जाती है अपने पहले के काम को बेटर करने की? पर उसी में मजा है कि अब मैं बोर हो चुका हूँ अर्जुन रेड्डी से. कोई मुझे अर्जुन रेड्डी के बारे में पूछता है या अर्जुन बोल के बुलाते हैं, मैं सोचता हूँ अरे 4 साल हो गया पिक्चर करके, तो मैं कुछ उखाड़ा नहीं इस टाइम में जो अभी तक अर्जुन बुला रहा. तो दैट इज एक्चुअली नॉट अ गुड साइन. इट्स नॉट अ गुड साइन, यू हैव टू डू समथिंग बेटर फॉर देम. नाम से बुलाना शुरू करें लोग. या तो एंड आई थिंक लाइगर इज अ फिल्म पीपल, जो मेरा पहले वर्क था वो थोड़ा साइड में रखेंगे और लाइगर के बारे में बात करेंगे इस पिक्चर के बाद, अगस्त 25 के बाद. और आपका जो एक स्टाइल बन गया है, जो भी टॉक ऑफ द नेशन है कि विजय देवरकोंडा हवाई चप्पल पहन के अपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे आए थे, तो वो इंटेंशनल था या सिर्फ करेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे थे? सब इंटेंशनल ही रहता है. जो
आज मैं पहना हूँ, एक फीलिंग, मुझे एक फीलिंग आता है कि ये पहनो कंफर्ट, या कंफर्ट भी नहीं है, यू जस्ट फील लाइक व्हेन आई वाज प्रमोट, व्हेन आई वाज कमिंग टू प्रमोट लाइगर, आई नो काइंड ऑफ व्हाट आई वांट टू वेयर, व्हाट आई वांट टू बी इन, वेयर आई विल फील मोस्ट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट लाइगर एंड एंड टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म. जस्ट लगा कि चप्पल पहनो और पहन लिया बस. सिंपलिसिटी इज द बेस्ट वे टू प्रमोट. ऐसा भी नहीं, आई थिंक द डे व्हेन आई फील, अगर कल सूट पहनने को लगा तो सूट पहन के आऊंगा, सनग्लासेस पहनने को लगा तो सनग्लासेस पहन के, उस मोमेंट का जो फील है वो करते हैं. हाँ, उस दिन का जो फील है वो वही, हम तो एक्टर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, रणवीर सिंह की तरह कपड़े उतार के फोटोग्राफ खिंचा सकते हैं, खिंचा सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं. नहीं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे तो, इफ यू आर नॉट फिजिकली हार्मिंग समवन और मेंटली हार्मिंग समवन, वी शुड बी एबल टू डू व्हाट एवर यू वॉन्ट एंड 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 बी हैप्पी, लिव एंड लेट लिव. सो आई थिंक इफ आई वॉज अ सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय, देर इज अ प्रोटोकॉल ऑफ ऐसा कपड़ा पहनना. जब मैं स्टूडेंट था यूनिफॉर्म था, जब मैं एक्टर हूँ, जो यू इन योर लाइफ यू कैन वेयर वॉट एवर, इज नॉट टू मच थॉट, यू शुडंट टेक एक्टर्स एंड वॉट वी वेयर टू सीरियसली. हूएवर इज वेयरिंग वॉट एवर देयर विश देल वेयर, बस पर्सनल चॉइस. या पर्सनल चॉइस. अनन्या, पूरी जगन्नाथ के साथ फिल्म करना, आपने पूरी जगन्नाथ की शायद फिल्में देखी हुई पहली जो उन्होंने की हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं, हिंदी में भी की हैं, साउथ में भी की हैं, तो आप जब इस रोल को प्रिपेयर कर रही थी और आपका जब पहला शॉट वो क्या था, पहला शॉट इस फिल्म का आपने कौन सा दिया? मेरा पहला शॉट था कि उनका एक फाइट सीक्वेंस चल रहा था और मुझे बस रिएक्शन देने थे, एंड इट वाज इन 2020, जैन 2020, तो आई वाज आल्सो मच यंग, आई वाज लाइक 2-3 इयर्स यंगर, एंड विजय बहुत काइंड थे क्योंकि उन्होंने एक्चुअली वो फाइट सीक्वेंस रिक्रिएट किया सो दैट आई कुड naturally react to it. But Puri sir, jab unhone film narrate bhi ki thi mujhe, he's so clear about his vision, the kind of film that he wants to make, audience kaise react karne wali hai. So I was just having fun on set. He would tell me the scene, how it's going to go down. He would tell me ki ye add karo, wo add karo, add your own personal touch to it. He just loves playing with it. Unhe hamesha kuch naya karna hai. So it was a great experience for him. And it's an out and out Masi film, so I'm so happy to be part of it. रमेश जी, आप बताएं, अभी जैसे बार बार एक टर्म यूज होता है, पैन इंडिया सिनेमा, पैन इंडिया सिनेमा, यू वेंट टू पैन इंडिया सिनेमा लास्ट 25 इयर्स, इफ आई काउंट लाइक क्रिमिनल फिल्म्स, लाइक क्रिमिनल दोज डेज पीपल वर वाचिंग द सेम फिल्म ऑल ओवर इंडिया. सो दिस न्यू टर्म ऑफ पैन इंडिया फिल्म, डू यू थिंक इट इज जस्ट हैपेंड और इट हैज बीन देयर फॉर सिंस लॉन्ग? इट जस्ट हैपेंड नाउ इज व्हाट आई थिंक, बिकॉज़ यू नो द criminal happened, it was made in Hindi and it was made in Telugu separately, so and the way it collected in Andhra, the same didn't happen up north, yeah. But with Bahubali, the it's totally different, the film was received even more than in the south, in the north, yes, so that's when it's called a pan India. So I think pan India happened, I think, with Bahubali only. तो अभी और लाइगर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वन मोर बिग पैन इंडिया, वन मोर फॉर श्योर बिग पैन इंडिया फिल्म. यस, व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट दैट्स व्हाट आई फेल्ट, सो आई श्योर. दोनों फिल्मों से जोड़ते हुए, बाहुबली और लाइगर से जोड़ते हुए, किसी भी इंसान के जीवन में माँ का जो रोल होता है, आपका बेटा या बेटी को उसको एक स्ट्रॉन्ग कैरियर बनाना है, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने में किसी माँ का कितना बड़ा रोल होता है, और आपको क्या लगता है कितनी छूट मिलनी चाहिए उस बच्चे को अपने मन का काम करने की, और कितना कंट्रोल माँ का रहना चाहिए उसके ऊपर? कंट्रोल नहीं करने का, किसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करने का, साथ रहने का और बोलना क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और बाद में उस वो बच्चे के चॉइस है, और उसका रिजल्ट बच्चा फेस करना है. फेस करने वक्त अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो सपोर्ट करने के लिए माँ होना है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक अ रियल मदर शुड बी डूइंग. एंड व्हेन यू से पैन इंडिया का स्ट्रेंथ, डायरेक्टर लाइक राजमौली गारु एंड पुरी गारु, their emotional content in a film holds strong. Just because they are doing a pan India film,
they don't go overboard on everything and lose out the basic emotion crux, which Rajamouli Garu's strength it is, and also Puri Garu's is what I feel, and which will be the strength for this film too. एक सवाल विजय आपसे राउंड अप करता है इंटरव्यू. अभी मैं दो दिन पहले करण का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अपने फादर को कोट करते हुए कि हिट फिल्म इज अ गुड फिल्म. इफ यू मेक अ गुड फिल्म इट विल बी अ हिट फिल्म. तो अभी जैसे एक ट्रेंड शुरू हो जाता है ना, कई बार जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होने आई तो सोशल मीडिया पर शुरू हो जाता है इसको बायकॉट करो वो बायकॉट करो, उसका कोई फर्क पड़ता है क्या सोशल मीडिया के जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है किसी फिल्म के फेवर में अगेंस्ट में? या आप जब शहर शहर घूमते हैं, जैसे आप पटना होके आए अहमदाबाद होके आए, आपको ऑडियंस का प्यार मिलता है, हाउ मच डज इट कन्वर्ट इन द टिकट सेल्स? ये तो मुझे भी इंटरेस्ट है पता करने में, बिकॉज़ यू आर अ प्रोड्यूसर आल्सो. या आई विश आई न्यू हाउ मच ऑफ दीस थिंग्स मैटर, लाइक आर दे कन्वर्टिंग टू टिकट्स और दे कन्वर्टिंग टू पीपल नॉट कमिंग टू सिनेमा. अगर कोई कुछ सर्वे रिसर्च कर सके और हमें बोले तो हमको भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा कि व्हाट इज कन्वर्टिंग, व्हाट मेक्स अ डिफरेंस. बिजनेस वाइज रिसर्च लैकिंग है ऐसा? या बिजनेस प्रॉपर बिजनेस वाइज रिसर्च ऑन हाउ मच डज द सोशल मीडिया चैटर मैटर एंड हाउ मच डू द लव दैट वी गेट फ्रॉम फिजिकल इवेंट्स एंड लाइक गोइंग टू टाउन्स व्हाट इज कन्वर्टिंग टू टिकट्स. आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल ऑफ दिस. I'm just doing what my, at this moment, I'm just doing what my heart feels like. I felt like I wanted to go meet the people in these towns. तो वो कर रहा हूँ, पर कुछ thought नहीं है कि शायद ये correct है या क्या ये correct है? एक अगर आप एक line बोलना चाहें अपनी film के बारे में अपने viewers को, जो Liger की USP है, जिसके बारे में बोलना चाहें कि ये चीज़ उनको मिलेगी आपके fans को for sure. Full on मज़ा मिलेगा. August 25th, 100% full, you'll be entertained 100%. High hai, ek ke baad ek scene high hai. High ke baad high. Toh miss mat karna hai. Nahin, we wish you all the best and best congratulations. Yeah. Thank you, Ananya. Thank you, Ramya, for being with us. Ye the hamare saath film Liger ke sitare Vijay, Ananya aur Ramya. Agli mulaqat ke liye aap thoda sa intezaar kariye, hum jaldi wapas lautte hain. Thank you.